नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। इस वक्त हमारे साथ है ठाकुर दास नागवंशी जी, इनसे करेंगे हम चुनाव को लेकर खास बातचीत। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पहले भी दो बार विधायक रह चुके हैं यहाँ पे, तो इस बार आपके चुनाव को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? मैं एक कार्यकर्ता और सेवक के रूप में जनता के बीच में जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित हमने विकास किए हैं और हम उनको बताते हैं। सर, जैसा कि देखा गया कि शिक्षा का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है, तो अगर आप विधायक बनते हैं तो शिक्षा के लिए क्या ऐसा खास कदम उठाएंगे? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और मैंने यहाँ लगातार इंटीरियर, मतलब जो वो छोटे छोटे से गांव हैं जो बहुत दूर थे, दूर दराज, जहाँ बच्चे लोग नहीं जा पाते थे, मैंने वहाँ हाई स्कूल खुलाया। जैसे एक डाब का है, आदिवासी गांव है, वहाँ मैंने एक हाई स्कूल खुलाया। एक डूमर है, सबसे बहुत दूर गांव, वहाँ मैंने हाई स्कूल खुलाया। ऐसे हमने जगह जगह हाई स्कूल कराए, 5वीं से 8वीं उन्नयन कराया, 8वीं से 10वीं उन्नयन कराया है। शिक्षा का स्तर हमारा सुधर रहा है, लोग जागरूक हैं और हर माँ बाप, मैं तो ये कहना चाहूँगा, गाँव से लोग शहर पिपरिया में आकर किराए के मकान लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MLA के लिए फॉर्म भरते हैं पर उनको MLA का फुल फॉर्म नहीं पता, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि MLA का फुल फॉर्म क्या होता है और MLA के कार्य क्या होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम जनता के सेवक हैं, हमें जनता की सेवा करना चाहिए। जनता हम पर विश्वास करती है, प्रतिनिधि के माध्यम से चुनकर हमें विधानसभा में पहुंचाती है, तो हम हर समस्या की आवाज़ वहां तक पहुंचाएं, विकास कार्य करें, जनता को सेवा दे सकें, ऐसा करना चाहिए। हमें कभी शासक नहीं बनना चाहिए, सेवक बनकर काम करना चाहिए। तो आप विधानसभा चुनाव को किस रूप में देखते हैं? मैं तो दो बार जनता ने मुझ पर विश्वास किया, पहली बार मुझे 22,000 मतों से जिताया, दूसरी बार 52,000 मतों से जिताया। निश्चित मैंने कहीं ना कहीं जनता का प्यार पाया है, जनता का विश्वास हासिल किया है और जनता कहीं ना कहीं मुझ पर बेहद विश्वास करती है और मुझे लग रहा है कि तीसरी बार भी मुझे जनता का विश्वास प्राप्त होगा और भारी बहुमत से पिपरिया विधानसभा के लोग मुझे जीत दिलाएंगे। सर, जैसे कि पिपरिया के लोगों की मांग है कि पिपरिया को जिला बनाना चाहिए, तो अगर आप विधायक बनते हैं तो इसके लिए आप क्या खास कदम उठाएंगे? मैं आपको ये बता दूं कि जनता के लोगों ने जिला उठाने के लिए जो बात रखी, मैं आज से उस पंचवर्षीय में ये बात याचिका के माध्यम से विधानसभा में रख चुका हूँ और विधानसभा से उसके बाद सर्वे भी हुआ। कमिश्नर और कलेक्टर के यहाँ से सर्वे रिपोर्ट यहाँ से तैयार होकर गई है। मैं प्रयास जारी हूँ। मैं ये अधिकांश आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब जनता कोई आवाज़ उठाती है उसके पहले मैं उसकी प्रक्रिया चालू कर देता हूँ। उसके पहले जिले की बात आई, आप देख सकते हैं मेरे पास प्रूफ है, विधानसभा से आप कापी निकलवा के देख सकते हैं कि मैंने उस समय बात रखी है अपनी। दोबारा ये हॉस्पिटल जो है पिपरिया हॉस्पिटल में, इसके पहले कांग्रेस कार्यकाल में उसका भूमि पूजन किया गया था 100 बिस्तर का। मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष बना, उसको हमने काला पोत दिया और उसके बाद मुझे जनता ने विश्वास किया, मैंने ही उसका भूमि पूजन किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने उसका लोकार्पण किया। आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करने का मौका मिला। अधिकांश जो भूमि पूजन हमने किए हैं उनका लोकार्पण भी मैंने किया है, ये हमारी सौभाग्य की बात है, नहीं तो कई विधायक बदला जाते हैं और पत्थर लगे रहते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने पिपरिया को जिला बनाने के लिए प्रयास किया, आप बताइए कि आप विधायक दो बार रह चुके हैं, उसमें आपने और क्या क्या लोगों के लिए किया है? यहाँ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एक अंडर ब्रिज वो मैंने बना दिया। सौभाग्य से लोगों ने जब मांग की, उसके पहले ही मांग के पहले मैंने पिपरिया विधानसभा में दो ओवर ब्रिज जो निर्माण कार्य है तेज़ी से चल रहे हैं। हमारे यहाँ हथवास की एक ब्रिटिश जमाने की पुलिया थी, वो हिलने लगी थी, उसको तोड़ के हमने उसको बनवाया, निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे यहाँ पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का इकलौता, वहाँ पर देनुआ पुल
कई बार बरसातों में वहाँ कार और आदमी बेचाते थे। मैंने उस नैनो पुल को बनाया। पचमढ़ी में एक हॉस्पिटल भी बनाया मैंने। जब कांग्रेस का राज्य था तो हमारे यहाँ 2 घंटे या 4 घंटे लाइट मिलती थी उस समय पिपरिया को, मध्य प्रदेश के माध्यम से, स्वराज्य के माध्यम से लाइट हम आज हम 24 घंटे और 10 घंटे हम खेतों में लाइट दे रहे हैं। परंतु मैंने इतने प्रयास किए कि यहाँ अगर एक साथ 14 सब स्टेशन लेके आया हूँ। हमको एक मात्र 132 हाथमास था, हमने एक 22 सब स्टेशन बहुत बड़ा जो यहाँ खुला है पास में खमरिया बनखड़ी में, वही 132 खुलवाया। 33 केवी के हमारे आज 28 सब स्टेशन हैं। हर 5 किलोमीटर में आपको एक सब स्टेशन देखने को मिलेगा। अगर आप ये चुनाव जीते हैं तो आगे की आपकी क्या नीतियाँ रहेंगी, आप क्या करेंगे जनता के लिए बताइए। मैंने हमेशा जनता से कोई वादा नहीं करता हूँ। मैं जनता से ये कहता हूँ कि मैं काम करने पर विश्वास करता हूँ, बोलने पर विश्वास नहीं करता हूँ। और जो मूलभूत सुविधा होती हैं, ज्वलंत मुद्दे आते हैं, मैं उनको सुलझाने का प्रयास करता हूँ और जनता को तोहफे में पेश करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में ठाकुर दास नागवंशी जी, जिन्होंने बताया कि उनकी चुनाव को लेकर कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए 7i News के साथ। नमस्कार।